भैया पहले में अभी में तो बहुत ही अच्छा है और ऐसा तो अविश्वसनीय है, मैंने इतना बेहतरीन कोई कल्पना भी नहीं किया था। 150 साल पुराना मंदिर है, बुजुर्गों को कहना है तब तो हम पैदा भी नहीं। हेलो जी, दिस इज अपूर्व एंड वेलकम टू द चैनल मैजेस्टी व्लॉग्स। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ बाबा शिव के दर्शन के लिए कानपुर के प्रसिद्ध प्राचीन और रहस्यमय मंदिर महादेवन मंदिर में। तो आइए आपको भी लेके चलता हूँ और करवा लाता हूँ बाबा शिव के दर्शन और फिर वहाँ चल के हम जानेंगे मंदिर से जुड़ी ढेर सारी बातें जो बनाती हैं मंदिर को प्रयागराज, फतेहपुर और घाटमपुर जैसे अलग अलग शहरों में भी बहुत खास, और शायद यही कारण है कि भक्त यहाँ पर आते हैं और उनकी मनोकामना हमेशा यहाँ पर पूरी होती है। तो आइए चलते हैं महादेवन मंदिर। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं महादेवन मंदिर और अभी बस मंदिर के अंदर जाना है। तो आइए चलते हैं, आपको ले चलते हैं मंदिर के अंदर। शिवरात्रि जैसे बाबा के त्योहारों में आ जाए तो यहाँ पर बहुत ही भीड़ रहती है, आप वहाँ देख सकते हो वहाँ से लंबी लाइन लगती है और अभी फिलहाल तो यहाँ पर कुछ ऐसा सीन देखने को नहीं मिल रहा है। तो मंदिर देख ही सकते हो आप लोग कितना बेहतरीन। तो गाइस फिलहाल अभी मैं हाथ पैर वगैरह धो लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं बाबा शिव के दर्शन के लिए मंदिर और उसके बाद जानेंगे वो सारी बातें जो बनाती हैं मंदिर को बहुत ही ज़्यादा खास। देख सकते हो ये सब बाबा हनुमान जी के साथ सेल्फी ले रहे हैं और बाबा हनुमान के साथ ये सब सेल्फी लेने में लगे हुए हैं, सब हनुमान जी के भक्त हैं। और बाबा शिव के दर्शन अभी हमने आपको कराए हैं और अब हम जा रहे हैं वो सारी बातें जानने जो बनाती हैं मंदिर को बहुत ही ज़्यादा खास। जो रहे ये जो भैया हैं इनकी दुकान है मंदिर के उस साइड, यहाँ पर आपको प्रसाद वगैरह सब सही रेट में मिल जाता है और बहुत ही पुरानी दुकान है। तो भैया से जानेंगे मंदिर के इतिहास के बारे में। तो भैया अपना नाम बता दीजिए सबसे पहले। हमारा नाम गोविंदा सैनी है जी। इस मंदिर की व्यवस्था देखते हैं, मंदिर में हमारी दुकान है पहले, जो फ्रंट में पहली दुकान है हमारी। ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, 150 साल पुराना मंदिर है, बुजुर्गों को कहना है तब तो हम पैदा भी नहीं हुए। भैया कितने कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं मंदिर में? बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, विशाखापट्टनम, महाराजपुर, ये अपना क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र में सकरापुर गांव है, ये गांव सकरापुर है जी। गाँव की तरह सभी लोगों के यहाँ मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। लड़के जो यहाँ सेवा लगे, कोई एयरफोर्स में हो गया, कोई आर्मी में हो गया, सब बाबा जिनके बच्चे नहीं हो रहे बाबा की तरह से गोद में बच्चे तक दे दिए बाबा ने। जो यहाँ लोग आते हैं सीधा बहुत उनका मनोकामना जरूर पूरी होती है। हरिद्वार, कोई काशी, कोई विश्वनाथ से कहीं ना कहीं से मंदिर से आचार लोग आते रहते हैं, अपना ही कार्यक्रम करते रहते हैं, किसी का जप कर रहे हैं, किसी की कथा का भागवत चलती रहती है। और हमारे
मंदिर में जो है बहुत तेजी से काम चल रहा है। तो ये जो आसपास की जगह है सारी मंदिर की? ये सब मंदिर की जगह है, ये जितनी जगह है सब मंदिर की है। यहाँ पर एक बरगद का पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है, आइए दिखाते हैं हम आपको। एक बरगद का पेड़ आपको जी, हमारा जो बरगद का पेड़ है यहाँ पर पूजन पाठ चलता है, बरगदाई वगैरह होता है तो बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, हम लोग संभाल नहीं पाते समझ लीजिए। ये जी बरगदाई पूजा, उसमें खूब भीड़ रहती है, ढेर सारी इकट्ठा रहती है, अपना दर्शन पूजा रहती है, मंदिर के भी दर्शन लोग करते रहते हैं। ये मंदिर का तालाब है जी, तालाब तो काफ़ी बड़ा है ये तालाब। हाँ, अभी इसको देखो किसका भाग खुलता है, कौन इस मंदिर को तालाब को पक्का कराता है, सांसद जी कराते हैं, विधायक कराते हैं, किसका के लिए तो सच्चा दरबार है बाबा का, बहुत बड़ा सच्चा दरबार है बाबा की दया से, सारे काम यहाँ लोगों को मनोकामना पूरी होती है। एक बार जो भी एक बार आ जाता मंदिर को भूलता नहीं दोबारा, उसको केवल महादेवन पातालेश्वर दिखता है, बाकी कुछ नहीं दिखता है। पूरा यहाँ समझ लीजिए एक तरीके से पूरा पंचवटी है, यहाँ पाँच पेड़ हैं। देखिए पेड़ कौन कौन से मैं आपको दिखाता भी हूँ, एक तो ये बरगद हो गया, ये बरगद हो गया ठीक भैया। ये जहाँ पांच पेड़ होते हैं वहाँ ईश्वर का साक्षात वास होता है, ये तो आपने भी सुना होगा। सुना है ना जहाँ ये पांच पेड़ होते हैं वहाँ ईश्वर का साक्षात वास होता है, पंचवटी जिसे बोलते हैं पंचवटी, ये यहाँ पंचवटी है एक तरीके से पूरा। ये बरगद का है, ये गूलर का है, वो पीपल का है जी, और वो पकड़िया का है, और वो आम का उधर साइड में है। तो ये जहाँ पांच वृक्ष होते हैं वहाँ ईश्वर का साक्षात वास होता है, तो इसलिए बाबा की कृपा है, जो एक बार यहाँ आता है वो आनंद लेता रहता है, और उसको महादेव के दर्शन होते हैं उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। भैया हैं जिनकी वजह से हमें मंदिर से जुड़ी ये सारी बातें पता चली जो कि शायद हमें नहीं पता थी, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इनकी दुकान ये बस यहाँ पर है, पहली दुकान इनकी, अभी चलेंगे वहाँ पर भी, तो पहली दुकान है इनकी और यहाँ पे आपको सारा प्रसाद का सामान वगैरह मिल जाता है। तो अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं और बाबा के दर्शन करना चाहते हैं तो आ सकते हो आप, ये यशोदा नगर पड़ता है जी, जी यशोदा नगर गंगापुर कॉलोनी महादेव मंदिर पातालेश्वर जी। तो बाकी गूगल मैप एड्रेस आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो गाइज ये है बाबा की, तो गाइज ये है भैया की दुकान और यहाँ पर आपको फूल माला से लेकर प्रसाद का सारा सामान ये जो सब लगा हुआ है आप देख सकते हो, ये सब सही रेट में मिल जाता है। तो आप एक बार यहाँ पर जरूर आना, और जो हो चाहे ना हो फ्री में ले जाओ, कोई पैसा नहीं, तो देख सकते हो ना हो तो कोई बात नहीं, भैया का दिल कितना बड़ा है। और देख ही सकते हो आप, ये भैया की दुकान है और इन्होंने बहुत अच्छे से हमें बताया है बाबा के मंदिर में आके कैसा लगता है। भैया पहले में अभी में तो बहुत ही अच्छा है और ऐसा तो अविश्वसनीय है, मैंने इतना बेहतरीन कोई कल्पना भी नहीं किया था, इतनी खूबसूरत मंदिर बनेगी ऐसा तो अपने इस क्षेत्र में पूरे कानपुर में जी। मैं कई जगह गया हूँ, परमट भी गया हूँ, लेकिन जो ऊपर का जो डेकोरेशन हुआ है, मंदिर का जो लुक है जी। बहुत ही अच्छा और शांतिपूर्ण वातावरण यहाँ पर, मंदिर से जो भी सहयोग मिलता है वो मंदिर कमेटी देती है और हम लोग भी जो अपना जो सहयोग होता है हमको, जैसे माला बना लेते हैं, जयमाल वगैरह हम दे देते हैं। यहाँ पर शादी वगैरह भी प्राय डेली होते रहता है, दूल्हा दुल्हन आ रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, उनका सहयोग हो रहा है, कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं है, और काफी पांच सात लोग तो बहुत ही, उन लोगों का ज्यादा इसमें योगदान है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः महादेवन मंदिर का ब्लॉग कैसा लगा आप सबको, प्लीज हमें कमेंट करके बताना। और आज के ब्लॉग से रिलेटेड अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप कमेंट में बेझिझक लिख देना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो गाइस ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आने वाले दिनों में मैं लाने वाला हूँ आपके लिए, कानपुर से जुड़े और कानपुर के आसपास की प्लेसेस से जुड़े बहुत सारे ब्लॉग्स बनाने वाला हूँ। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ब्लॉग्स की जानकारी आपको जल्दी से मिल पाए, नोटिफिकेशन आप सबसे पहले आपको मिल जाए। तो गाइस चैनल सब्सक्राइब कर लेना मैजेस्टी ब्लॉग्स। तो मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए सी यू।